आज हम कोचीन शिपयार्ड की बात करेंगे। ये कंपनी काफ़ी अंडरवैल्यूड है एट दिस टाइम। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है। इसका आईपीओ लगभग 4 के आसपास साल पहले आया था। इसका करंट प्राइस इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 370 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है एज ऑफ 7 सितंबर। एंड लास्ट वीक इट ऑल्सो ट्रेडेड बिलो 350 रुपीज़। सो ये काफ़ी नीचे भी थी और उसके बाद अभी ये वापस ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दिया जाए। तो आप ये देखिए, इसकी एनुअल रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले आई है। लेट्स सी व्हाट दिस कंपनी इज़ ऑल अबाउट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोचीन शिपयार्ड जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। इट्स अ PSU एंड दिस कंपनी हैज़ एमर्ज एज अ फ्रंट रनर इन इंडियन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री। एंड इट इज़ ऑल्सो अ नोन प्लेयर ऑन द ग्लोबल शिप बिल्डिंग फ्रंट। सो आप इसको देखेंगे कि इन्होंने अभी तक कौन कौन सी शिप्स एंड वेसल्स जो हैं आज तक डिलीवर की हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2021 इन्होंने ऑलमोस्ट 16 लार्ज वेसल्स बिल्ड की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 35 सपोर्ट वेसल्स, 83 मीडियम एंड स्मॉल वेसल्स एंड 20 डिफेंस वेसल्स इन्होंने अभी तक डिलीवर की हैं। आप अगर इनका देखें, इनका विजन तो ऑब्वियसली टू बी द मार्केट लीडर है। हो सकता है ये ऑलरेडी मार्केट लीडर हो, एक्चुअली मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। बट इनका विजन यही है कि बी द मार्केट लीडर्स लीडर इन इंडिया फॉर शिप रिपेयर्स। एंड इनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ हैं, बेसिकली वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से रिलेटेड ही हैं। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज ऑफ द शिप यार्ड बाई ऑल्सो सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि वो न्यू फैसिलिटीज़ को करने में भी, बिल्ड करने में भी इंटरेस्टेड हैं। अब आगे देखते हैं, ये उनका फुटप्रिंट है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी वेसल्स बेची हैं। तो इन्होंने यूएसए में भी बेची हैं, बहामाज में भी बेची हैं, इधर मिडल ईस्ट में बेची हैं, कुछ यूरोप में भी बेची हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फाइनली ऑब्वियसली इंडिया में तो इन्होंने बेची ही हैं। इनकी फैसिलिटीज़ जो हैं कुछ हैं मेजर फैसिलिटीज़ इनकी कोची में ही दिख रही हैं। इसके अलावा इनकी एक शिप रिपेयर यूनिट है मुंबई में, इनकी एक शिप रिपेयर यूनिट कैलकटा में भी है और पोर्ट ब्लेयर में भी इनकी एक यूनिट है। और आगे देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कि ये करते क्या हैं। ये बेसिकली दो चीज़ों में काम करते हैं, एक शिप बिल्डिंग है, एक शिप रिपेयर है। तो शिप बिल्डिंग के अंदर ये सबसे प्रेस्टिजियस इनका डिफेंस में एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं या फिर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स एंड होल होस्ट ऑफ फीचर्स। कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी ये ऑयल टैंकर्स, बल्क टैंकर्स, सो बेसिकली फ्रेट टैंकर्स बनाने में ये महारत इनको हासिल है। और इसके अलावा ये है कि ऑल काइंड्स ऑफ कॉमर्शियल एंड स्पेशलाइज्ड वेसल्स की रिपेयर, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये शिप्स जो हैं पानी के अंदर काफ़ी टाइम रह लेती हैं तो उसके बाद इनको रिपेयर करना पड़ता है ऑब्वियसली। एंड जब इनको रिपेयर करना पड़ता है तो ये कोचीन शिपयार्ड आते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये उनका लेटेस्ट है। अगर आप देखें तो ये इन्होंने अभी अगस्त 2021 के अंदर, विच इज़ आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट, ये उसके बाद का इन्होंने एक फ़ोटो लगाया है यहाँ पे कि ये इनके लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस माइलस्टोन था। इन्होंने एक एयरक्राफ्ट करियर इंडियन नेवी के लिए बनाया है और इनका सी ट्रायल्स चालू हो गया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बड़ा कैरियर है। एज यू कैन सी, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अंदर 1700 क्रू
हैं, इसके अंदर 14 डेक्स हैं, आप ये समझ लीजिए 14 मंजिली इमारत है ये। इसमें 2,300 अपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं रादर। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी। अगर आप इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो आप मे बी इसको पलावा सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपने लोधा पलावा का नाम सुना हो तो, जिसमें कि हज़ारों अपार्टमेंट आए हैं, लेकिन वो एक इतनी बड़ी सिटी है, ये यहाँ पे एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने इतना बड़ा बनाया है। तो इसकी कोई बहुत बड़ी टेक्निक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई होगी तभी ये बना पाए हैं, वरना ऐसा बनाना इजी तो नहीं ही है। ये इंटरेस्टिंग है, 2 फीट फोटो देखें आप यहाँ पे, इन्होंने ड्राई डॉक भी बनाया हुआ है एक, जो ये ड्राई डॉक जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इट्स अ ह्यूज ड्राई डॉक विच विल बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग वेसल्स अप टू स्वेज मैक्स, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी जो है ये नया ड्राई डॉक हैंडल कर सकता है। और इसकी कंप्लीशन डेट है FY 2022-23, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियरली ये अगले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक शिप रिपेयर फैसिलिटी ये बना रहे हैं, ये भी इनकी कोचीन में ही बन रही है, और आप ये देखिए बहुत बड़ी शिप रिपेयर फैसिलिटी इनकी बन रही है, और इसका कमीशनिंग जो है वो December 22 के अंदर हो जानी चाहिए, तो लगभग ऐसा 1 साल के अंदर इसकी कमीशनिंग भी हो जाएगी। तो जब ये बन जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली इनके सेल्स और इनके नए प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप अगर देखें इसको आप, मैं इसको बहुत हैरान हूँ देख के कि FY 2016-17 ये टर्नओवर था 2,000 करोड़, और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली बड़े प्यार से ये बढ़ता आ रहा है। इसका आप ग्राफ देखें, बिल्कुल इट्स अ वन वे स्ट्रीट एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर विच वॉज हिट प्रॉबेबली बाई कोविड, सो कोविड की वजह से इनका जो एनुअल सेल्स है वो श्रिंक हुआ। एंड सेम वे आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़े प्यार से बढ़ रहा है, एंड फाइनली उसमें एक कोविड का इम्पैक्ट लास्ट ईयर के अंदर आया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, एंड इट्स अ वन वे स्ट्रीट। इफ यू सी देर इज एब्सोल्यूटली एवरी ईयर वेयर दे हैव इंक्रीज देयर टर्न ओवर एवरी सिंगल ईयर, इन द लास्ट 10 ईयर्स एवरी सिंगल ईयर दे हैव इंक्रीज देयर टोटल इनकम, दे हैव इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। बिल्कुल ये तो ग्राफ ही अमेजिंग है, मैंने ऐसा कम ही देखा है एक्सेप्ट फॉर मे बी सम वेरी लार्ज FMCG कंपनीज, जहाँ पे बड़ा स्मूथ तरीके से बिजनेस एक्सपेंशन होता है। इस कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपेंशन चल रहा है। और ये मैं लास्ट स्लाइड लूंगा इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे कि तो इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स जो हैं दिखाई हैं, कि इन्होंने 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्होंने क्या क्या किया है। तो अगर आप देखें, इन्होंने ये वेसल्स का ही किया हुआ है, इन्होंने कुछ कुछ वेसल्स डिलीवर की हैं, दिस इज़ वेयर दी माइल स्टोन्स आर। यहाँ पे इन्होंने अक्टूबर के अंदर, रादर सितंबर के अंदर इन्होंने 2 RORO वेसल्स जो हैं वो दी हैं, यहाँ पे 3 फ्लोटिंग बोर्डर आउटपोस्ट वेसल्स जो हैं दी हैं, इन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे खोला है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मार्च 2021 के अंदर इन्होंने एक ब्लॉक फैब्रिकेशन ऑफ 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स, ये इन्होंने फैब्रिकेशन स्टार्ट की है, और एक 1500 पैसेंजर्स की एक इन्होंने पैसेंजर्स और कार्गो की एक ड्यूअल वेसल जो है ये भी इन्होंने दी है। और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग है, इन्होंने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर बोट भी लॉन्च की है March 13th, which was the last day of the financial year.
तो क्लियरली दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी जो है ये सॉलिड फुटिंग के ऊपर है, इसकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छी हैं। आप ज़रूर इसको स्टडी करें, और अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छी है, आप भी इसमें कन्विंस्ड हैं, तो इसमें इन्वेस्ट